रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उद्योग। यानी भारत में उद्योगों की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले औद्योगिक नीति कब बनी और पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे देश में उद्योगों का क्या विकास हुआ, इससे संबंधित टॉपिक इस पाठ में हम पढ़ेंगे। उद्योगों के अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्योगों के। भारत में स्वतंत्रता के बाद 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति बनाई गई। यानी 6 अप्रैल 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत की गई। क्योंकि हमारे देश को आज़ाद होने के बाद सही रूप से यानी सुचारू रूप से औद्योगिक विकास हेतु एक औद्योगिक नीति की आवश्यकता हुई और उस औद्योगिक नीति को 6 अप्रैल 1948 को शुरू किया गया। इसी के तहत 1950 में हमारे देश में योजना आयोग की स्थापना की गई। 1950 में योजना आयोग बनाया गया। इसका उद्देश्य था देश का चहुंमुखी विकास करना। और इस योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। पंचवर्षीय योजनाओं में मुख्य रूप से देश के आर्थिक विकास के लिए आधारभूत उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। पहले जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें देश के लिए खाद्यान्न उत्पन्न पैदा किया गया। दूसरी योजना में मुख्य रूप से उद्योगों पर विशेष बल दिया गया, जिसमें लौह इस्पात उद्योग यानी एक आधारभूत उद्योग जिसको माना जाता है। तो इस अध्याय में हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। उद्योगों की स्थापना भारत में कब हुई, यानी स्वतंत्रता के बाद 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई। इसके तहत देश के चहुंमुखी विकास के लिए उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई। फिर पंचवर्षीय योजनाओं के तहत देश में औद्योगिक विकास को बल दिया गया। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लौह इस्पात उद्योग। कौन सा बच्चों? लौह इस्पात उद्योग। पहला जो टॉपिक है वो है लौह इस्पात उद्योग। भारत में जो लौह इस्पात उद्योग है इसके उदाहरण आपको प्राचीन समय से देखने को मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है वो इसका एक प्रमुख उदाहरण है कि भारत लौह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में प्राचीन समय से ही क्या था, अग्रणी था। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, किसी भी देश की औद्योगिक विकास की एक धुरी है। क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए उद्योगों का होना बहुत जरूरी है और जितने भी उद्योग हैं वो सब लौह इस्पात उद्योग पर आधारित है। इसलिए लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना का जो श्रेय है वो जमशेद जी टाटा को जाता है। उन्होंने 1907 में साक्ची यानी वर्तमान जमशेदपुर जो झारखंड में स्थित है वहां पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। यानी भारत में पर्सन आधार भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा को उन्होंने लौह इस्पात उद्योग का जो एक कारखाना सबसे पहले साक्ची जो वर्तमान में जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, यहां पर उन्होंने 1907 में लौह इस्पात
का एक कारखाना लगाया जो वर्तमान में टिस्को के नाम से जाना जाता है, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। ठीक है, तो भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? जमशेद जी टाटा को। उन्होंने 1907 में साक्ची नामक, जो वर्तमान में जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, वहां पर उन्होंने लौह इस्पात का कारखाना लगाया। अब बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल। लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल, भाई लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें लौह अयस्क, एक तो इसके लिए लौह अयस्क चाहिए। ये बात आपको मैंने कई बार बताई, अयस्क जिन कच्ची धातु से खनिज की प्राप्ति होती है उनको अयस्क कहते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए लौह अयस्क चाहिए, उसके बाद में कोयला, चूना पत्थर और मैग्नीज, क्योंकि लोहे के अंदर मैग्नीज मिलाने से क्या बनता है? इस्पात बनता है। तो इसके अलावा इसको मैग्नीज की भी आवश्यकता होती है। तो ये सब इसके लिए कच्चा माल है। लोहे इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल क्या प्रयुक्त होता है? तो लोहे इस्पात उद्योग के लिए तो लोह अयस्क है, कोयला है, चूना पत्थर और मैग्नीज। ठीक है, ये बात आपको लिखनी। दूसरी बात, लोहे इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है। ठीक है, लोहे इस्पात उद्योग जो है भारी उद्योग है, इसलिए इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल की प्राप्ति वाले स्थानों पर की जाती है, यानी जहां पर ये कच्चा माल उपलब्ध होता है उन्हीं क्षेत्रों में लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है। यानी यही कारण है कि हमारे देश का जो पूर्वी भाग है, जहां पर लौह इस्पात उद्योग के जो कारखाने हैं वो हमारे देश के पूर्वी भाग में, अगर हम बात करें देश के पूर्वी भाग की, तो ये जो एरिया है देश का, ये एरिया इस भाग में ज्यादातर, ये से नहीं कहेंगे वैसे तो कर्नाटका में भी, तमिलनाडु में भी, लेकिन ज्यादातर जो है लौह इस्पात के कारखाने देश के पूर्वी भाग में है। इसके पीछे कारण है कि वहां पर उपलब्ध कोयला, चूना पत्थर और मैंगनीज ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है, इसकी स्थापना के लिए लोहे, कोयला, चूना पत्थर, मैंगनीज आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। लोहे इस्पात उद्योग को उन्हीं स्थानों पर लगाया जाता है जहां पर यह कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो हमने सबसे पहले भारत में उद्योगों की बात पढ़ी कि भारत में उद्योग उनकी जो शुरुआत है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई, यानी भारत में 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई। उसके बाद में 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग के द्वारा भी देश को योजनाबद्ध तरीके से विकास हेतु योजना आयोग बनाया गया, और पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश के चहुंमुखी विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कर और उनमें विभिन्न उद्योगों का विकास किया गया। और इस अध्याय में मैंने आपको बताया, इस अध्याय में अपने को लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, शुद्ध वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में पढ़ना है, और ये पार्ट हमारे नए सिलेबस के अनुसार, हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। तो इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इसमें से बड़ा प्रश्न आने की भी पूरी संभावना रहती है और छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं। अब बात आई कि लौह इस्पात उद्योग जो है वो एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अन्य जो उद्योग हैं उनको चलाने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। मशीनें किससे बनाई जाती है? लोहे से बनाई जाती है। ठीक है, यानी छोटी से छोटी सुई से लेकर, यानी आल्पिन से लेकर के बड़े से बड़े समुद्र जो जलियान है वो भी लोहे से बनाए जाते हैं। तो लोहा एक आधारभूत उद्योग है। इसके अलावा लोहे का इतना उपयोग होने के बावजूद इसको औद्योगिक विकास की धुरी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये भारत का सबसे प्राचीन उद्योगों में से एक उद्योग है। और इसके उदाहरण मैंने बताया कि भारत में अगर इसका लौह इस्पात उद्योग का एक उदाहरण अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप बता दो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो एक लौह स्तंभ है जो अशोककालीन है, तो लौह स्तंभ जो है वो भी आज भी बिना जंग लगे वहां पर खड़ा है। तो ये उत्कृष्ट लौह इस्पात उद्योग का एक उदाहरण है भारत का।
तो भारत के अंदर लौह इस्पात उद्योग का एक उदाहरण पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे कि दिल्ली के निकट, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ जो है वो मैरोली में है, तो वहाँ पर आज भी वो इतने वर्षों से बिना जंग लगे और बिना किसी मतलब खराबी के वहाँ पे खड़ा है। तो ये इसका उत्कृष्ट लौह इस्पात उद्योग का एक उदाहरण है भारत में प्राचीन समय से, ठीक है। उसके बाद में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर उसके लिए कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल लौह, कोयला, चूना पत्थर और मैंगनीज, ठीक है। जिन क्षेत्रों में ये जो माल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है उन क्षेत्रों में लौह इस्पात के कारखाने लगाए जाते हैं। और हमारे देश का जो ये भाग है, पूरी भाग, इस भाग में लौह इस्पात के कारखाने ज़्यादा है। ज़्यादा होने का कारण होता है जरिया, बोकारो, रानीगंज, बनपुर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कोयला आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा यहाँ लौह सर के भी खाने हैं, ठीक है। तो ये था लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल। अब भारत के अंदर जो लौह इस्पात उद्योगों की जो स्थापना हुई है वो चार भिन्न क्षेत्रों में हुई है। ऐसे कौन से क्षेत्र है, यानी लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए जो परिस्थितियां बनी भारत में वो ये चार बनी। उनमें पहली परिस्थिति ये बनी कि लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट, यानी पहली परिस्थिति ये थी कि ज्यादातर जो लौह अयस्क के कारखाने हैं वो लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट, यानी लौह इस्पात के जो कारखाने वो कहां स्थापित किए गए, लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट, या फिर उनको कोयला क्षेत्रों के निकट, कोयला क्षेत्रों के निकट, क्षेत्रों के निकट उनको स्थापित किया गया, या फिर लौह अयस्क और कोयला दोनों के मध्य, लौह अयस्क या कोयला क्षेत्रों के मध्य भाई। और चौथी इनकी जो परिस्थिति थी इनको स्थापित करने की वो थी तटीय क्षेत्र या व्यापारी केंद्रों के लिए, तटीय क्षेत्र क्षेत्रों में भाई। भारत में लौह इस्पात के जो कारखाने हैं वो चार भिन्न परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। या तो उनको उन क्षेत्रों के निकट स्थापित किया जाता है जहां पर लौह अयस्क प्राप्त होता हो, या फिर उन क्षेत्र वहां उनको स्थापित किया गया जहां पर कोयला प्राप्त होता हो, या फिर उन क्षेत्रों में उनको स्थापित किया गया जो इन दोनों के लौह अयस्क और कोयला दोनों के क्या थे, मध्य में थे, बीच में थे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लौह इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है, यानी इसके जो काम में आने वाला जो कच्चा माल है वो एक भारी उत्पाद है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने में परिवहन में अधिक आता है, इसलिए इनको उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहां पर इनके लिए आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है। फिर इन दोनों के मध्य हो गए, या फिर तक के क्षेत्रों पर जहां पर आयात निर्यात की सुविधा हो। तो ये जैसे विशाखापट्टनम में जो है वो। अब मैं इनके आपको ये बताऊं कि लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट भारत के कौन कौन से जो लौह इस्पात के कारखाने हैं वो बनाए गए हैं। एक तो भिलाई, भिलाई है जो छत्तीसगढ़ में है, भिलाई। इसके अलावा राउरकेला जो उड़ीसा में पड़ता है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, और बरनपुर भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। राउरकेला, राउरकेला, दुर्गापुर और बरनपुर, ये जो लौह अयस्क के कारखाने हैं वो लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए। कौन कौन से, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बरनपुर। अब कोयला क्षेत्रों के निकट जो है उनमें बरनपुर का है, बोकारो का, बोकारो झारखंड में पड़ता है, दुर्गापुर का है और हीरापुर ये। इसके अलावा लौह अयस्क या कोयला क्षेत्रों के जो बीच है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये टाटा वाला, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको
प्रैक्टिस को भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम? TISCO, टिस्को, टिस्को, ठीक है। और तटीय क्षेत्रों के निकट इनको स्थापित किया गया, उनमें तो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो ये जो बंदरगाह है यहाँ पर लौह इस्पात के आयात निर्यात की सुविधा है। तो भारत में लौह इस्पात के जो कारखाने हैं वो चार भिन्न परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। पहले तो कोयला क्षेत्रों के निकट कौन कौन से? बर्नपुर, बोकारो, इरापुर, ये जो है। इसके अलावा लोएस्ट क्षेत्रों के निकट जिनमें बिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सेलम, सेलम पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। उसके अलावा तटीय कोयला क्षेत्र और लोएस्ट दोनों के बीच वाला है वो है टाटा एनर्जी स्टील कंपनी टिस्को वाला, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी जमशेदपुर में, ठीक है। और तटीय क्षेत्रों में जो है वो है विशाखापट्टनम, यानी व्यापार की सुविधा हेतु यहाँ पर इनको इस लौह इस्पात कारखाने को स्थापित किया गया है। तो आज हमने ये पढ़ा, पहला तो उद्योगों की बात की गई, उसके बाद में लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, उसके बाद में मैंने आपको बताया इसके लिए कच्चा माल, और उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि कोयला क्षेत्रों के निकट, लौह क्षेत्रों के निकट, तटीय क्षेत्रों में और दोनों के मध्य कौन कौन से लौह इस्पात के कारखाने हैं। बाकी इसी टॉपिक में इतना, बाकी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।